नागौर को लेकर जिस तरीके से लगातार ज्योति मिर्धा है, कल आपने ज्योति मिर्धा का बयान सुना होगा, उससे पहले वो 4 दिन पहले अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए नागौर में आई, बिना नाम लिए हनुमान बेनीवाल पर निशाना साधा। कहा यह भी जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल की राजस्थान के मुख्यमंत्री से कोई मुलाकात भी हुई, हालांकि उसकी किसी ने पुष्टि नहीं की है। और जिस तरीके से कांग्रेस को लेकर उनके बयान आए, आप तो सीधे तौर पर इससे पहले भी जब मैं आपसे पूछ रहा था, आपने तो सीधे तौर पर यही कहा था कि हनुमान बेनीवाल कुछ भी कर सकते हैं। अब जो तमाम चीजें जो निकल कर आ रही है, ज्योति मिर्धा है वो लगातार सक्रिय हो रही है, बयान दे रही है, क्या लगता है कि ये सारी की सारी जो गणित है कहीं ना कहीं उपचुनाव को लेकर तमाम तरीके की रणनीति या बयानबाजी? बिल्कुल, ये सारा का सारा विधानसभा उपचुनाव को लेकर गरमाए रखना है यहाँ की राजनीति को, इसके लिए सब कुछ हो रहा है। लेकिन हनुमान चूंकि राजनीति के बड़े खिलाड़ी हैं और वो चुनाव की दिशा को मोड़ना जानते हैं, तो अगर मुलाकात नहीं हुई है तो निश्चित रूप से होगी, हुई है तो उसमें कुछ ना कुछ फ्रूटफुल ऐसा हुआ होगा, क्योंकि उनको अपनी सीट खींवसर की जिंदा रखनी है, अपने पास रखनी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में उनका जीत का मार्जिन बहुत कम रहा था और उनको भी पता है कि यहाँ पर अपनी स्थिति उतनी मजबूत नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा पिछली बार जब वो सांसद बने थे तब भी उन्होंने विधानसभा का की सीट छोड़कर चुनाव लड़ा था और वापसी में फिर एनडीए के साथ में गठबंधन के तौर पर, यहाँ पे बीजेपी का प्रत्याशी नहीं था तो उनके भाई ने ये सीट जीत ली थी, और तब उन्होंने अशोक गहलोत के साथ में एक गुप्त गठबंधन ऐसा सुना जाता है कि उनका था। तो अब अगर उनको ये सीट जीतनी है तो आपने देखा होगा कि शुरू में जैसे ही रिजल्ट आया वैसे ही उन्होंने नाराजगी जाहिर करने शुरू की इंडिया अलायंस के प्रति कि उनको बैठक में नहीं बुलाया गया। तो हनुमान कुछ भी कर सकते हैं और चुनाव जीतना उनके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगा, उसको वो किसी भी कीमत पर खो नहीं सकते। हालांकि कुछ बातें अभी दूसरी तरह की भी आ रही है कि हनुमान यहाँ पे कोई बड़ा खेल कर सकते हैं, किसी बड़े बीजेपी के नेता को भी यहाँ पे लाके चुनाव लड़ा सकते हैं, लेकिन वे दूर की कौड़ी दिखती है। ये उनकी घर की सीट है, 4 बार से वो यहाँ पे विधायक का चुनाव जीत रहे हैं, 4 बार से या 3 बार से चुनाव जीत रहे हैं, जब से नई सीट बनी है तभी से, और इसी की पूरी ये कवायद है। और ज्योति मिर्धा चूंकि पिछली बार हारने के बाद में लगातार गायब रही थी यहाँ से, तो उनको इस चुनाव में इसका पता चला कि बाहर रहना या गायब रहना सीट की सेहत के लिए या अपनी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो वो फिर से आई हैं और फिर आएंगी, अभी कम से कम उपचुनाव तक तो फिर से आएंगी और वो माहौल बनाएंगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको पार्टी एक बार उनके ऊपर और दांव चलेगी, क्योंकि 2 चुनाव वो लगातार अभी से 6 महीने के अंदर अंदर वो हार चुकी हैं, लेकिन अपनी चौधर चलाने के लिए तो उनको जरूरी है कि यहाँ पर लगातार सक्रिय रहा जाए। कांग्रेस के लिए इस बार यहाँ पर चुनौती है कि वो किसको खींवसर से लेकर आए। पिछली बार भी वो जिन तेजपाल मिर्धा को यहाँ पर चुनाव लड़ाने के लाई थी, कुचेरा का जो नगर पालिका चेयरमैन है उनको, तो वो कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे, तो वहां पर उनके पास में कोई बड़ा नेता ऐसा बड़ा चेहरा है नहीं, तो वो भी किसी बाहरी चेहरे को चुनाव वहां पर लड़ा सकती है।